अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये यहाँ पर रेयान सो रहे हैं और मैं इनको उठा रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से सो रहे हैं, आज इनका लास्ट एग्ज़ाम था तो वही उठा रही हूँ मैंने। ये पेपर ख़त्म होने के बाद सकून की नींद ली जा रही है इनको। हम कब से उठा रहे हैं, 2:30 बजे सोए हैं और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं और ये अब तक जो हैं वो उठे नहीं हैं। को मैं कब से उठा रही हूँ। रयान कितनी नींद करोगे बेटा, उठ जाओ, छुट्टियाँ हैं बेटा, फिर कल 2 दिन जाना है, फिर छुट्टियाँ हैं, उठ जाओ। और ये रयान जो है वो रेडी हो गया है अपने स्कूल में पार्टी में जाने के लिए। इनकी आज पार्टी है और कल ग्रेजुएशन डे है। और ये रयान की जो है आज पार्टी जो है वो हुई है स्कूल में। कल लास्ट पेपर था, आज पार्टी थी, तो अभी अभी ये स्कूल से आए और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज कैसा रहा, क्या क्या किया आप लोगों ने? अच्छा, अच्छा मजा आया, सही। रिजल्ट डे था तो यहाँ पर जो है मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ, जो कि रयान ने अपनी पसंद से अपनी टीचर के लिए लिया था। फिर हम लोग गिफ्ट रैप करने के बाद रेडी होकर निकल गए थे स्कूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग जो है वो अभी अभी जो है रयान के स्कूल से आ रहे हैं। रयान का रिज़ल्ट था आज, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। टीचर ने बहुत तारीफ़ करी है रयान की, और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी है। बस एक चीज़ बोली है कि ये बहुत नॉटी है,
लेकिन ये कि वो हमें भी पता है बहुत डांटी है, और बाकी उसके अलावा पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिला है। कौन सा सर्टिफिकेट है रैम बताएँ? बेस्ट, आई थिंक बेस्ट लिसनर का है या बेस्ट लर्नर का है, इन दो में से कोई एक सर्टिफिकेट है, मुझे याद नहीं है, उन्होंने दिखाया था, लेकिन ये कि वो हमें वो बाद में हम रिसीव करेंगे। और उसके अलावा अभी एक सर्टिफिकेट इनको मिला है जो लास्ट टाइम मिला था, आई थिंक अक्टूबर में, वो था डांस सर्टिफिकेट मिला था, वो इनका डांस कॉम्पिटिशन हुआ था तो वो उसका सर्टिफिकेट था जो हमने कलेक्ट नहीं किया था, मैं पाकिस्तान चली गई थी। तो अभी टीचर ने वो भी हाथ कर दिया है, दिखाओ कुछ हाथ रखा है, तो वो भी उन्होंने दिया है, तो अभी वो भी मैं लेके आई हूँ। हाँ एक है, लाइए दिखाएँ, जल्दी दिखाएँ, ये वाला, ये है सर्टिफिकेट। तो अभी इनके ये ग्रेड वन में चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब इनके जो है वो कोर्स और सब चीज़ें आएंगी, तो अगर मैं वो लेने गई तो फिर वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को चीज़ें भी दिखाऊँगी। अब तो इनका यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया ग्रेड वन का, तो बस यही है। चले फिर मैं आपसे मिलूँगी तब जब मैं चीज़ें लेने के लिए जाऊँगी, सही? चले ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जो है, आज मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं रयान का यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए जाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आज घर में बहुत ज़्यादा काम। अभी रयान की जो है वो मीटिंग अटेंड करिए, पूरे घर का बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि आज ही पेंट स्टार्ट हो गया है, हमें करवाना था रमज़ान से पहले, लेकिन जो है बस वो जिनको करना था पेंट उनके पास ज़रा थोड़े से टाइम वगैरह नहीं था, तो इसलिए वो अब आएँ। और दूसरा ये कि अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी रयान की ओरिएंटेशन थी ऑनलाइन, वो अभी अटेंड करिए, एक घंटा हो गया तकरीबन, एक घंटे की थी। और अब जो है हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं 10 से 15 मिनट में रयान का यूनिफॉर्म कोर्स लेने, और उसके बाद फिर जो है वहीं से वहीं फ़ीस भी सबमिट करनी है, फिर ग्रैंड मॉल भी जाना है एक दुकान करने, फिर वहाँ से आएंगे आकर जो है बस घर में पेंट हो रहा है वही सब फैलावा समेटना है, तो फिर चलते हैं आपसे मिलते हैं बाहर। अच्छा यहाँ पर मैं जो है वो ये दिखा रही थी कि घर कितना फैला हुआ हो रहा है, एक तरफ पेंट हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने ओरिएंटेशन अटेंड करी है रयान के ऑनलाइन, और फिर अभी हम लोग को ग्रैंड मॉल अलग जाना है, और रयान का यूनिफॉर्म भी लेना है, और फीस भी जो है वो भी सबमिट करनी है, और साथ साथ जो है कोर्स भी लेना है, मतलब सब जगहों पर अलग अलग जाना है। तो अच्छा खासा मतलब काम है जो आज के दिन निपटाने, फिर आकर इफ्तार भी रेडी करनी थी, तो जो है ना बस बहुत जल्दी में थे कि बस जल्दी जल्दी सारे काम जो है वो निमट जाएँ। यहाँ पर हमने कोर्स रिसीव जो है वो कर लिया था, फिर उसके बाद कुछ बुक्स रह गई थी जो उन्होंने कहा था बच्चे को क्लास में दे देंगे, क्योंकि हमने फुल पेमेंट कर दी थी इसी वजह से, बाकी फिर फीस सबमिट करवाई, सब जगह पे बहुत लंबी लाइन थी। फिर हम लोग यूनिफॉर्म लेने के लिए गए, यूनिफॉर्म 3 लेने थे, एक पीई का, बाकी जो 2 नॉर्मल होते हैं वो, फिर शूज़ वगैरह, सब जगह पर बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन सब नंबरिंग वाइज चल रहा था तो सही रहा, बस थकन बहुत हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे सारे काम हो गए, और कोर्स भी ले लिया है रेहान की बुक्स वगैरह, और उसके अलावा यूनिफॉर्म भी और फीस भी जो है वो सबमिट कर दिए। एक काम अच्छा हो गया था कि यहाँ पर जो है सब चीज़ें साथ ही मिल गई थी, वरना हमें अलग अलग जगहों पर जाना था लेने के लिए, लेकिन ये कि एक ही जगह पर सब चीज़ें मिल गई थी, तो रश बहुत ज़्यादा था, तो तकरीबन हम आए थे 11:30-12 बजे तक आए थे, और अभी जो है वो 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं ना, हाँ 2:30 बज गए अभी। तो अब हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड मॉल, वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी है, उसके बाद हम घर जाएंगे। और घर पर भी जो है अभी फ़ोन करके पूछा था, मेरे हस्बैंड जो है वो घर पर ही हैं, मैं भाई के साथ आई हुई थी, तो उनसे फ़ोन करके पूछा था, अभी एक रूम रह गया है, बाकी सब जगह पर पेंट हो गया है, तो अभी घर जाके अलग काम है जो समेटना है। चले फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी घर पे पहुंचे हैं, और रयान का यूनिफॉर्म भी ले लिया था,
ये तो मैंने खैर बता ही दिया था, ये यूनिफॉर्म यहीं पर रखा हुआ है और कोर्स भी पीछे रखा हुआ है। अभी इस पर जो है वो कवर वगैरह चढ़ाना है। और उसके अलावा घर अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, जब जाते वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो रहा था। अभी ये बता रहे हैं 1 घंटा हो गया है, पेंट वाले जो आए थे वो गए, तो इन्होंने कुछ चीज़ें सेट कर दी हैं, बस दीवार से टच नहीं करी हैं। तो अभी 4:30 बज रहे हैं और इफ्तार का अभी कुछ नहीं पता कि क्या बनना है, और थकन इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, तो जो है अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, अभी नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जो है वो ज़रा थोड़ा काम वाम देखते हैं, फिर देखते हैं इफ्तार में क्या बनेगा आज। इफ्तार जो है वो हम लोगों ने बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था, थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी काम की वजह से हम सबको ही, तो इस वजह से मना कर दिया था हस्बैंड ने। और दूसरा ये कि हमने ऑयल पेंट भी करवाया था, तो ऑयल पेंट की स्मेल से जो है ना हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो पूरा दिन घर में ही थे, हम तो फिर भी बाहर चले गए थे। खैर बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को मेरी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।